हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिंगापुर हम सभी जाना चाहते हैं घूमने के लिए, और अगर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले, एज अ टीचर अगर वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो क्यों नहीं। तो सिंगापुर से लेकर आए हैं आपके लिए स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट। एक मैंने फॉरन स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट सेक्शन भी स्टार्ट किया अपने यूट्यूब चैनल पर, तो फॉरन के कोई भी अच्छी स्कूल की टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मुझे नजर आती है तो मैं जरूर अपलोड करती हूँ यूट्यूब वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट चलते हैं सिंगापुर से, क्या टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है सिंगापुर के स्कूल से, कवर अप करते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आप सभी के लिए, अगर एलिजिबल है तो जरूर एप्लीकेशन डालें, नो एप्लीकेशन फी। तो फिलहाल हम ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, जीआईजी इंटरनेशनल स्कूल। जीआईजी इंटरनेशनल स्कूल में सबसे पहले हम कॉन्टेक्ट अस में जाते हैं, रीच आउट टू अस, इस पर क्लिक करते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन हमें समझ आएगी, और उसके बाद हम देखेंगे उसके करियर सेक्शन में जाकर के एडवर्टीजमेंट क्या है। तो इसके रीच आउट टू अस में अगर हम कॉन्टेक्ट इन्फो देखते हैं तो सबसे लास्ट आप चेक कर सकते हैं एड्रेस में, 190 चंगी रोड, MDIS बिल्डिंग, सिंगापुर। तो ये सिंगापुर के स्कूल है। अब हम चले आते हैं वापस से कॉन्टेक्ट अस में ही, और यहाँ पर करियर पर क्लिक करते हैं। तो फिर इस सेक्शन में आपको नजर आएंगे कि क्या क्या पोस्ट ओपन है और क्या लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के लिए, कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद मोर देन 3 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन IGCSE करिकुलम। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 3 इयर्स क्या 3 इयर्स से भी बहुत ज्यादा वक्त से पढ़ाया हुआ IGSE करिकुलम में, तो वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ICT के लिए BEd होना या फिर CICTL या फिर CIDTL, इनमें से तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। वन पोस्ट है, 15 जून लास्ट डेट है, ओपन है फिलहाल। रेम्यूनरेशन विल बी बेस्ट इन दिस फील्ड। प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी स्कूल टीचर है, यहाँ पर BEd या टीचर ट्रेनिंग की को मैंडेटरी नहीं किया है। हाँ, प्रेफरेंस दी जाएगी अगर ऐसे कैंडिडेट्स उन्हें मिलते हैं, बट अगर 3 इयर्स की एक्सपीरियंस है और आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 3 इयर्स की एक्सपीरियंस IGCSE करिकुलम में होनी चाहिए। कैंडिडेट विद बैचलर ऑफ एजुकेशन CICTL विल बी गिवन एन एडेड एडवांटेज। रेम्यूनरेशन विल बी बेस्ट इन दिस फील्ड। 30 जून इसकी लास्ट डेट होने वाली है। 2 पोस्ट है, ओपन है। मैथमेटिक्स टीचर है सेकेंडरी लेवल के लिए। कैंडिडेट मस्ट है मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स विद प्रूवन रिजल्ट्स एंड मोर देन 3 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन IGCSE करिकुलम। कैंडिडेट एक्सपीरियंस इन IGCSE स्कूल करिकुलम विल बी एन एडेड एडवांटेज। तो यहां पर भी देखें, BEd या किसी भी टीचर ट्रेनिंग को मैंडेटरी नहीं किया गया। प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए भी टीचर ट्रेनिंग को मैंडेटरी नहीं किया गया है। तो कोई भी मास्टर्स है, बैचलर्स डिग्री है, कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री है तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 1 पोस्ट है, 30 जून इसकी लास्ट डेट है। बायोलॉजी टीचर सेकेंडरी लेवल के लिए भी रिक्वायरमेंट है, 1 पोस्ट है। कैंडिडेट मस्ट है मास्टर्स डिग्री इन बायोसाइंस विद मोर देन 3 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन IGCSE करिकुलम। कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन IGCSE करिकुलम विल बी गिवन। अब यहां पर भी सेम है कि कोई भी टीचर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं, मांगी नहीं गई है। अब मैं यहां पर एक बात बोलना चाहूंगी कि फ्री एप्लीकेशन होती है, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। कि किसी भी तरीके की आपको मेल आती है कि आपको एप्लीकेशन फी देनी है, प्रोसेसिंग फी देनी है, या किसी भी तरीके की आपको मनी ट्रांसफर करनी है, तो किसी भी केस में आप ऐसा ना करें, बिकॉज यहाँ पर फ्री एप्लीकेशन की बात की गई है। फॉर करियर इंक्वायरीज प्लीज सेंड योर कंप्लीटेड एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म टू करियर @gigis.edu.sg। बहुत सारे फेक ऐसे सिमिलर ये होते हैं जो कि उनकी आईडी स्कूल की या किसी रेनाउंड इंस्टीट्यूशन की आईडी यूज करके, फेक आईडी यूज करके आपसे मनी डिमांड करते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको बहुत केयरफुल रहना। एक बार आप गूगल भी कर लें स्कूल के बारे में और फिर एप्लीकेशन डालें। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म एक बार हम चेक करते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट फॉर्म ओपन हुई है। एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में आपको फिलअप करनी है कि क्या पोस्ट है, एड्रेस है, बाकी सारी चीजें भी आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करनी है, और फिल करने के बाद आप यहाँ पर मंथली ग्रॉस सैलरी रेंज भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अपनी, और जो आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी है, करेंट जॉब जो भी है उसकी। और इस तरीके से ये आपको फॉर्म नजर आ रहा है, इसको अच्छी तरीके से आप भर लें, और भरने के बाद इसको स्कैन करके वापस से अगर ये फिल हो रही है तो ठीक है, नहीं फिल हो रही है तो आप इसको सेव कर लें, प्रिंट आउट ले लें और वापस से फिल करें हार्ड कॉपी, और फिर स्कैन करके भेज सकते हैं। तो ये अच्छी तरीके से फॉर्म बनी हुई है, आपको सिर्फ
भरना है और भर के career@gigis.edu.sg पर एप्लीकेशन सेंड करनी है इस तरीके की। और भी अगर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।